सब्सक्राइब करें स्मार्ट एक्सपर्ट को और बेल आइकन को दबाओ। तो दोस्तों अभी हम जो मल्टी आर्ट सेंटर भारत भवन में है इसमें एंटर करेंगे। इसकी टिकट है 10 रुपये टिकट है इंडियन पीपल्स एंड वुमेंस की, और जो अदर कंट्रीज के लोग हैं अदर कंट्री फॉरेन कंट्री के उनकी 20 रुपये टिकट है पर पर्सन की टिकट है इसका। इसके अंदर आपको अंदर जाके दिखाऊंगा जो भी कुछ इवेंट्स अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे उनकी उन सभी का व्यू दिखाऊंगा आपको जाके अंदर जाके। दोस्तों अब इसमें हम एंटर हो चुके हैं और ये टिकट है 10 रुपये की टिकट है ये, और अंदर आपको अंदर जाके दिखाऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट व्यूज होंगे उन सभी को दिखाऊंगा जाके अंदर में। दोस्तों यहाँ पे आर्ट वगैरह जो नाटक टाइप चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती रहती है अंदर जाके, जो आर्ट सेंटर है मल्टी आर्ट सेंटर। और ये देख सकते हो आप ऊपर का व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये आगे जस्ट फ्रंट व्यू, और इसके अंदर ये प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं भारत भवन नाट्य रूफ, ये देख दे रखे हैं सभी पॉपुलर्स लोग हैं उनके बारे में। और ये देख सकते हो आप जो नाट्य लोग की कमेटी है, जो नाटक आर्ट लोग हैं उनकी कमेटी है ये जो खड़ी हुई है पूरी कमेटी। और ये देख सकते हैं आप फोटो वगैरह, ये आप देख सकते हैं जितने भी नाट्य होते हैं आर्ट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे उन सभी का फोटो लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप अभी शांत साइलेंट माहौल है यहाँ पे। और यहाँ पे जो देख सकते हैं आर्ट्स जो आर्ट बनी हुई हैं क्या मस्त आर्ट बनी हुई है ये, और ये धोनी हो रही है इसकी आप देख सकते हैं ये कितना अच्छी व्यू है जो आर्ट बनी हुई है। ये लोग हैं आर्ट बनाते हैं कितनी मस्त आर्ट बनाई हुई है उन लोगों ने, ये व्यू देख सकते हैं आप। एसी है इसमें काफ़ी अच्छा साइलेंट माहौल है और ये ध्वनि हो रही है साउंड की कितनी अच्छी प्यारी आवाज़ है। और यहाँ पर फोटो वगैरह है वो मना कर रहे हैं फ़ोटो अलाउड नहीं है। और इस व्यू देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू है, ये देख सकते हो आप व्यू कितनी प्राचीन एंशिएंट टाइम की चीज़ बनी रखी हुई है इस म्यूजियम में, ये देख सकते हो। और ये वो देख सकते हो उस साइड फ़ोटो अलाउड नहीं है वो, तो अगर कोई जुर्माना होगा मेरे ऊपर लगेगा लेकिन आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। और ये कितनी प्राचीन चीज़ रखी हुई है, और ये देखो कितनी प्राचीन चीज़ रखी हुई है। दोस्तों मैं रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए, फिर भी आप मुझे फॉलो ना करें और सब्सक्राइब ना करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने आर्ट देख सकते हो आप, और ये फोटो देख सकते हो आप कितने अच्छे आर्ट बने हुए हैं, और ये देख सकते हो कितनी प्राचीन है। और ये जो गौतम बुद्ध हैं कितनी मस्त आर्ट बनी हुई है पुरानी ये, और ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी आर्ट बनी हुई है। डोंट टच साफ लिख रहा है, डोंट टच इनसे हाथ ना लगाएं, ये देख सकते हो। और ये भी देख सकते हो कैमरा अलाउड नहीं है, मैं पकड़ गया तो मुझे डंड लगेगा। और ये व्यू देख सकते हो आप कितनी एंशिएंट टाइम की चीज़ें रखी हुई हैं और कितनी अच्छी आर्ट बनी हुई है प्रिंटिंग से उन महान लोगों को, जो महान लोग बना के चले गए हैं संसार को छोड़ के उनकी बनी हुई है ये आर्ट, ये देखो कितना बना हुआ है। जी रघु बिना शीर्षक टोकरा राकोटा, और ये देखो, और ये, और ये वो देख सकते हो आप, और ये भी, और एक ये कितनी प्राचीन चीज़ें रखी हुई हैं, और वो देख सकते हो पीतल का बना हुआ, और ये सामने, और ये भी देख सकते हो कितना अच्छा मस्त प्रिंटिंग बनी हुई है, ऐसा शायद ही कोई बना पाएगा। और वो, और ये भी देख सकते हो आप मस्त प्रिंटिंग बनी हुई है, ये पूरा प्रिंट। और जो म्यूजियम है उसके ऊपर का व्यू है छत का, ये देख सकते हो आप। और आपको नीचे तो पता होगा कितना साइलेंट माहौल था,
बिल्कुल भी बोलने को, फ़ोटो खींचने तक ही मना थी। और ये सामने अपर लेक दिख रही है, काफ़ी लंबी लेक है, और नीचे जाके फिर आपको दिखाऊंगा अच्छा व्यू। और आप ये देख सकते हैं व्यू, लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी, जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे यहाँ से वो मिल जाएगी आपको। ये देख सकते हो लाइब्रेरी, जितनी भी बुक्स पढ़नी है वो सारी बुक्स मिलेंगी, जितनी कोई से भी वेद की सारी बुक्स रखी हुई हैं। आप देख सकते हो ये रखी हुई है, देखो बुक्स, पूरी लाइब्रेरी पुरानी ऑल टाइम की, बहुत ही ओल्ड लाइब्रेरी है। जितनी भी बुक्स हैं, प्राचीन वेद या कोई सी बुक्स हों, रामायण महाभारत से रिलेटेड, बौद्ध धर्म जैन धर्म सभी की बुक्स वगैरह हैं, बहुत काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है ये, देख सकते हो आप ये बुक्स रखी हुई हैं इसमें, ये देख सकते हो आप। ये देख सकते हो आप लाइब्रेरी, ये पूरा व्यू देख सकते हो आप लाइब्रेरी का, ये भी व्यू, पूरा ये ऑफिस है, यहाँ बैठ कर आप पूरी लाइब्रेरी का निचोड़ देख सकते हो, पूरी लाइब्रेरी का निचोड़ है यहाँ पे, देख सकते हो आप नीचे, देख सकते हो आप कितनी प्राचीन चीज़ें रखी हुई हैं ये सभी। और ये लेक व्यू है, और ये व्यू देख सकते हो आप, और वो सामने देख सकते हो व्यू पूरा, और ये देख सकते हो त्रिशूल ऊपर तक कितना मस्त बना हुआ है पूरा। और ये देख सकते हो कैमरा अलाउड नहीं है, जो दंड होगा वो छीलना पड़ेगा शायद, लग रहा मुझे, देख सकते हो ऊपर कितना अच्छा बना हुआ है, और ये व्यू देख सकते हो आप कितना मस्त व्यू बना हुआ है, और वो देख सकते हो अच्छा व्यू, अभी अच्छा व्यू है, आप देख सकते हो प्राचीन, ये देख सकते हो कितना शांत माहौल है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे बनाई जाती है, जो भी प्राचीन चीज़ें हैं वहाँ पे, ये देख सकते हो वहाँ पे बनाई जाती है, यहाँ पर कारीगर लगे हुए बनाने में, देखो प्रिंटिंग कर करके, और ये देख सकते हो कितनी अच्छी आर्ट बनी हुई है, प्रिंटिंग अब कितना अच्छा आर्ट वगैरह बनी हुई है, ऐसे शायद ही कोई महान कलाकार होगा उसने बनाया होगा ये सब, आप ये देख सकते हो पूरा आर्ट, ये देख सकते हो सामने की तरफ कितना मस्त भी हुआ है पूरा, भी देख सकते रखी हुई है इसमें, देखो ये, और ये
अच्छी चीज़ रखी हुई यहाँ पे, देखो ये, और ये भी देखो। कई लोग आते हैं जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, वो कई सारे आते हैं, कई कंट्री से यहाँ पे आते हैं, और इंडिया से तो जितनी भी इंडिया के स्टेट हैं वो समथिंग सभी स्टेट से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो काफ़ी अच्छा म्यूजियम है, इसके अंदर बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, वो आप मैंने आपको दिखा दिया अंदर वीडियो में, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस म्यूजियम में आपको सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, और बहुत ही पुराना यानी प्राचीन टाइप का ये म्यूजियम है। आर्ट और इसकी जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसी चीज़ें बनी हुई है वो बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आप अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बाद में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करें। दोस्तों, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो जहाँ भी जाऊँगा उन सभी का ब्लॉग बना के डालता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।